हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉगर एंड ट्रेडर। तो आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जब भी किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उसके लिए उन्हें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंड एक्विजिशन के लिए वो हमें जो मुआवजा देते हैं वो किस बेस पे देते हैं या किस आधार पे देते हैं, क्या उसके देखकर हमें वो मुआवजे का जो भी कीमत होती है वो हमें मिलती है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। 2013 में एक जो लैंड एक्विजिशन बिल था उसमें संशोधन करके उसमें कुछ बदलाव किए गए और उसके हिसाब से नई कीमत लैंड एक्विजिशन के लिए तय की गई। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कौन से एरिया के लिए कितनी कीमत लगाई गई है। इसमें मेजर तीन पार्ट किए गए हैं एरियाज़ के। एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया, दूसरा होता है सेम जो डेवलप एरिया है, छोटा शहर टाउन जिसे कहते हैं हम, और तीसरा है जो ट्राइबल एरिया, जो बिल्कुल जंगल एरिया होता है, उस हिसाब से इनकी कीमतें लगाई गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है, अगर आप बड़े शहर में रहते हो और आपकी ज़मीन अगर ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जा रही है तो आपको उसके हिसाब से इसका मुआवजा दिया जाता है। सबसे पहले आपकी जो ज़मीन है उसकी मार्केट प्राइस देखी जाती है। अगर जो भी उसकी मार्केट प्राइस अभी करंट में चालू है उस मार्केट प्राइस की कीमत आकी जाती है। फिर आपकी ज़मीन पर जो भी कंस्ट्रक्ट का काम होगा या फिर जो भी आपकी असेट्स होगी, जैसे कि आपका घर हो गया या फिर आपने पेड़ लगाया होंगे या जो भी आपने कंस्ट्रक्ट का काम उस ज़मीन पर किया होगा, वो देखी जाती है। उसके कैलकुलेट करके आपकी जो ज़मीन की मार्केट वैल्यू है उसके उसमें प्लस करके जो कीमत आती है उस कीमत की दुगनी कीमत आपको दी जाती है। ध्यान से सुनो, जो भी कीमत आती है इसमें उसकी दुगनी कीमत आपको दी जाती है, ओके। दूसरा जो एरिया है, जो छोटे टाउन्स होते हैं या फिर जो छोटे कुछ डेवलप्ड एरिया होते हैं, उन एरिया की ज़मीन की जो कीमत निकाली जाती है वो निकाली जाती है मार्केट प्राइस के हिसाब से, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन में निकाली जाती है सेम वैसे ही निकाली जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि ज़मीन की जो मार्केट प्राइस है उसका 1.5 उसे बढ़ाया दिया जाता है, 1.5% उसे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपकी मार्केट प्राइस उस टाउन में 1,00,000 रुपये है पर एकड़, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 लाख रुपये, मतलब उसे 1.5 से बढ़ा दिया जाता है, ओके। और फिर वो प्राइस वहाँ पे पकड़ी जाती है। फिर उस और फिर सेम वैसे ही जैसे कि पहले में असेट्स, आपकी जो भी असेट्स होंगी खेत में या फिर आपके ज़मीन पे जो भी असेट्स होंगी उसकी कीमत कैलकुलेट की जाती है, दोनों को प्लस किया जाता है और फिर आप उसकी दुगनी कीमत, जो भी रकम आती है कैलकुलेट करके उसकी दुगनी कीमत आपको दी जाती है आपकी ज़मीन के लिए, ओके। और तीसरा जो एरिया है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया के लिए ज़मीन की मार्केट कीमत फिर उसमें उसे दुगनी कर दी जाती है। देखिए ट्राइबल एरिया के लिए थोड़ा प्रावधान है, यहाँ पे जो भी मार्केट प्राइस आता है उस मार्केट प्राइस को दुगना कर दिया जाता है वहीं पे, ओके। फिर आपकी ज़मीन पे जो असेट्स है उसकी कैलकुलेट की जाती है कीमत, और फिर सेम ऐसे ही जो भी प्राइस आता है पूरा कैलकुलेट करके उसकी दुगनी कीमत आपको गवर्नमेंट देती है। ट्राइबल एरिया के लिए ये प्रावधान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ट्राइबल एरिया में ऑलरेडी जो मार्केट प्राइस है वो कम होता है कंपेयर टू जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं उसके हिसाब से। तो इस तरह से आपको उस लैंड की जो प्राइस है या जो कंपनसेशन है वो दिया जाता है। अब हम बात करेंगे पुणे में जो बनने वाला है रिंग रोड उसके बारे में। पुणे का रिंग रोड क्या लैंड एक्विजिशन का काम मिला है PMRDA, जो पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसे यह काम मिला है। ये लोकल बॉडी है तो इसे इन्हें ये काम आसानी से हो जाएगा क्योंकि इन्हें सब एरियाज़ का पता है, तो इन्हें काम दिया गया है। और पुणे का जो रिंग रोड का काम है जो डेवलप करेगी वो करेगी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो दोनों मिला के ये काम करने वाले हैं। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं।
जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसका DPR बनाया जाता है, उसके बाद उसकी पूरी कैलकुलेट की जाती है, बजट उसका निकाला जाता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का बजट निकालने के बाद जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद सारे लोगों को नोटिस दी जाती है ज़मीन एक्विजिशन के लिए। उसके बाद जो भी आपका एरिया का तलहटी या पर्टिकुलर जो भी ऑफिसर होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके थ्रू आपके जो लैंड है उसका जो वैल्यूएशन निकाला गया है उसकी कीमत आपको बताई जाती है। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या आपकी जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी कीमत लगाई गई है अगर वो कम है, या आपकी ज़मीन अगर इसमें कम दिखाई गई है अगर आपकी जितनी ज़मीन जा रही है उसके हिसाब से, तो आप इस पर शिकायत कर सकते हो, ऑफिशियली आप इस पर शिकायत कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद ग्राउंड पर काम शुरू हो जाता है। और इससे एक अच्छी बात, अगर आपका जो वैल्यूएशन की प्राइस जो है, आपको नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपका जो भी वैल्यूएशन है, अगर वो आप जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस प्राइस पे 12% का रिटर्न दिया जाता है। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल चुकी है, नोटिफिकेशन मिलने के बाद जब तक आपके पास वो रकम नहीं आती है तब तक उस जो भी आपका वैल्यूएशन निकलेगा उस वैल्यूएशन पे आपको 12% का रिटर्न दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो बस यही थी पूरे अपडेट। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।